दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत सारे लोगों को शिकायत रहता है कि हमें जो है हर्निया की प्रॉब्लम हो गई है और ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे में होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जिसको लेने से आपकी हर्निया जो है जड़ से ठीक हो सकता है और आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो अगर ऐसा किसी को भी होता है तो एक बार जो है होम्योपैथी का दवा इस्तेमाल करें और देखेंगे कि आपकी जो है प्रॉब्लम है जो है आप जड़ से ठीक हो सकती है। तो आपको हम बता दें कि जिनको भी हर्निया की शिकायत है वह जो है होम्योपैथिक में केवल 3 दवा लेना है जिसको लेने से आपकी हर्निया धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर बच्चे में है, अगर हर्निया बच्चे में है तो वह हर्निया जो है जिन बच्चों में अगर है तो वह 100% उसका जो है कि है कि ठीक हो जाता है। अगर एडल्ट में है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, बच्चों में कम समय लगता है। तो जिन अगर बच्चों को है तो उनको केवल नक्सोमिका 200 पावर का और लाइपोपोडियम 200 पावर का, इसे आप सुबह दोपहर शाम 3 बार करें। और जिनको अगर एडल्ट को होता है जैसे मतलब 15 साल के बाद जो है अगर हर्निया की शिकायत होती है, 20 साल 25 साल 30 साल में हर्निया की शिकायत होती है तो उनको जो है इसे नक्सोमिका 200 पावर का, लाइकोपोडियम 200 पावर का और काकुलोसिंडिका 200 पावर का 3 मेडिसिन लेना है। और उसके साथ साथ जो है या रेडियंट फार्मा का जो है कि आप हर्निया ड्राप ले सकते हैं, 98 नंबर रेडियंट 98 नंबर का देख सकते हैं, इसमें कितना अच्छा दिखाया गया, इसमें लिखा हुआ भी है कैप्टिव वाल के माध्यम से एक अंग के प्रलंबन को स्थिति को प्रबंध करने के लिए, मतलब जैसे जो है कि जिनको भी हर्निया की शिकायत हो गई उनके लिए यह बहुत ही बेहतरीन पेटेंट मेडिसिन है। और इसके साथ साथ जो है इसको लेने का विधि जो है 15 बूंद 3 बार लेना है, नक्सोमिका लाइको और काकलोसिंडिया का 200 पावर का इससे भी 5 बूंद 3 बार लेना है। अगर बच्चे में होता है तो यह मेडिसिन नहीं देना है, केवल नक्सोमिका लाइकोपोडियम देना है। अगर एडल्ट में होता है तो आप नक्सोमिका लाइकोपोडियम और काकलोसिंडिका तीनों को 200 पावर में ले करके आप इसे सुबह दोपहर शाम 5 बूंद दीजिए और इसके साथ जो है इसको भी 91 नंबर ड्राप रेडियंट फार्मा का इसे भी आप दे सकते हैं। इसको देने से आपकी हर्निया धीरे धीरे एकदम जो है गायब हो जाएगी। तो जिनको भी ऐसा शिकायत होता है हर्निया की शिकायत तो आप एक बार होम्योपैथिक दवा का यूज़ करें और आप इसमें से बचें। दोस्तों धन्यवाद, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।